नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त, टैक्स, अकाउंट्स, बिजनेस कंसल्टेंट और प्लानर आप लोगों के पास आ गया हूँ पिछले टॉपिक से कनेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने, ताकि मैं कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इनकम टैक्स वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर पाऊँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कहाँ कहाँ पे डिसअलाउंस आता है, सेक्शन 43 मैंने बताया था, जिसमें 10,000 से ज़्यादा सेम डे में कैश पेमेंट नहीं करना है। सेक्शन 43 मैंने बताया था, कोई भी संपत्ति अगर खरीदते हैं तो 10,000 रुपये से ज़्यादा का उसमें कैश पेमेंट इंक्लूड नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज वो संपत्ति के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता। आज का जो टॉपिक है, अभी का जो टॉपिक है, वो इस बात पे है कि हम लोग कब कब क्या पैसा रिसीव कैश में कर सकते हैं, या फिर ऐसा बोलें कि किससे ज्यादा अमाउंट कैश में रिसीव नहीं कर सकते। तो यहां पर तीन सेक्शन आज मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है 269SS, सेक्शन है 269SS। ये सेक्शन हमको ये कहता है कि कोई भी लोन या डिपॉजिट अगर हमको एक्सेप्ट करना है तो वो 20,000 रुपए तक ही कैश में आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर 20,000 रुपए से ज्यादा लोन या डिपॉजिट हम एक्सेप्ट करते हैं या लेते हैं, डिसअलाउंस हो जाएगा। पेनल्टी 100% की है। अगर आपने 21,000 रुपए किसी से कैश में लोन या डिपॉजिट लिया है तो सीधा पेनल्टी 21,000 रुपए लगने वाली है, पेनल्टी कोई रोक नहीं सकता, ये सीधा सीधा ओवर रूलिंग है। तो ध्यान रखिएगा, 269SS क्या कहता है कि 20,000 रुपए से ज्यादा कैश किसी भी व्यक्ति से लोन या डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट मत करिएगा। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग को एक्सेप्ट कैश में नहीं करना है, बैंकिंग चैनल के थ्रू आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हो, लिखा पढ़ी करिए और बैंकिंग चैनल के थ्रू एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन कुछ लोगों को छूट है कि वो कैश में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये कौन लोग है जिनको छूट है 269SS में? एक तो बैंकिंग कंपनी, बिल्कुल छूट है क्योंकि बैंक है, बैंकिंग कंपनी को अलाउड है कि वो कैश पेमेंट कर सकती है, उनका काउंटर होता है, काउंटर में कैश पेमेंट करते हैं, उस पर बात नहीं होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उनको अलाउड है, कोई गवर्नमेंट कंसर्न है तो उनको अलाउड है, कोई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या ऐसा कोई निगम जिसको गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाया गया है तो अलाउड है, या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑफिशियल गैजेट में बताया गया है कि ये अगर ऐसा कोई कैश ट्रांजैक्शन या पेमेंट रिसीव करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उस केस में ये 5 लोगों को विशेष छूट मिला हुआ है, इसके अलावा किसी को भी छूट नहीं है। तो सेक्शन 269SS क्या बोलता है दोस्तों, कि कभी भी 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश रिसिप्ट लोन या डिपॉजिट के रूप में मत करिएगा। अगर करते हैं तो 100% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और एक्सेप्टेड जो आपने आपने लिया है उस पर पेनल्टी लग जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया। दूसरा 269ST के बारे में, जो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर सेक्शन है एक्चुअल में 269ST, इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को 2,00,000 रुपए से ज्यादा कैश में अपना सेल्स का रिसिप्ट लेने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है का मतलब लेने से प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी बताने वाला हूं। तो 2,00,000 रुपए से ज्यादा कैश रिसिप्ट नहीं कर सकता कोई, 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन यह है कि किसी एक व्यक्ति से किसी एक दिन में, दूसरा किसी एक ट्रांजेक्शन के लिए, और तीसरा किसी एक इवेंट के संबंध में। तो मैंने बताया ये 269ST था। यहां पर भी ध्यान रखिएगा कि अगर 2,00,000 रुपए से ज्यादा किसी एक दिन में हमने रिसीव कर लिया, वो उतना टोटल अमाउंट ही हमारा पेनल्टी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2,50,000 रुपए हमने एक्स पार्टी से रिसीव कर लिए सेम डे में कैश में, और भाई लोग दिखा भी रहे हैं, बुक्स में आ गया, अब वो जो 2,50,000 रुपए है ना, वो सीधा सीधा आपका पेनल्टी माना जाएगा, आपको पूरा 2,50,000 रुपए का पेनल्टी देना पड़ेगा, सोचने से ही डर लग जाता है, तो क्यों ना इसको ध्यान पे रखा जाए। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 269T, जो कि रीपेमेंट ऑफ लोन है।
इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। रीपेमेंट ऑफ लोन में वो ये कहता है कि 20,000 या उससे ज्यादा का लोन का रीपेमेंट आप किसी को भी चेक या बैंक चैनल के अलावा नहीं कर सकते। इसके टेक्स्ट में आपको पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रोवाइड्स दैट एनी ब्रांच ऑफ ए बैंकिंग कंपनी और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्म और अदर पर्सन कैन नॉट रिपे एनी लोन और डिपॉजिट अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट ड्रॉन इन द नेम ऑफ पर्सन हु हैज मेड द लोन और डिपॉजिट। ये अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट बोल तो रहा है, लेकिन अगर आप कोई दूसरा पेमेंट बैंकिंग या बैंकिंग चैनल के थ्रू भी काम करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये 100% है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब इसमें उसने कंडीशन क्या रखा कि 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश में पेमेंट नहीं होना चाहिए। किस चीज का? एक्चुअल में ये रीपेमेंट ऑफ लोन है, लोन का रीपेमेंट 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए और ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। कई बार लोग क्या बोलते हैं कि 19,000 रुपए तो था मेरा प्रिंसिपल, 2,000 रुपए ब्याज का था, तो थोड़ी ना प्रिंसिपल को आप कंसिडर करिए। नहीं बॉस, प्रिंसिपल नहीं, ओवरऑल पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अगर 20,000 रुपए से ज्यादा जा रहा है तो उस केस में हमारा ये वाला सेक्शन हिट हो जाता है 269T और सीधा सीधा 100% पेनल्टी है जितना अमाउंट आपने रीपेमेंट किया है लोन का। दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं, 269SS में हमने जाना कि हमको कोई भी लोन या डिपॉजिट अगर लेना है तो 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं लेना है कैश में। यहां पर एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर लोन देने वाला और लोन लेने वाला दोनों एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं और उनका इनकम भी एग्रीकल्चरल है, इसका मतलब कोई भी टैक्सेबल इनकम उनके पास में नहीं है, तो ये सेक्शन 269SS उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये विशेष छूट हमारे सेक्शन में इसलिए दिया गया है शायद कि एग्रीकल्चरल लोग गांव में रहते हैं, उनको हाथों हाथ ट्रांजेक्शन और कैश की तत्काल जरूरत पड़ती है, वो बैंक में अगर जाएंगे तो उनका दिन का काम और रोजी चला जाएगा, शायद इसलिए ये वाला नियम है कि एग्रीकल्चरल इनकम वाले अगर दो व्यक्ति एक दूसरे को लोन दे रहे हैं और दूसरा रिसीव कर ले रहा है तो सेक्शन 269SS एप्लीकेबल नहीं होगा। 269ST में मैंने बताया कि 2,00,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन एक दिन में एक व्यक्ति से या एक ट्रांजेक्शन के संबंध में या एक इवेंट के संबंध में नहीं करना है। फिर 269T भी 100% पेनल्टी वाला सेक्शन है, वो भी यही कहता है कि 20,000 रुपए या उससे ज्यादा का लोन का रीपेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते, आपको बैंकिंग चैनल का यूज करना पड़ेगा, बैंकिंग चेक दीजिए, DD दीजिए या फिर कोई भी बैंकिंग सोर्स से आप पेमेंट करेंगे तो वो चलेगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, बिजनेस हम करते रहते हैं, कुछ करने के बाद फिर हम लोग अपने कंसल्टेंट को बताते हैं, तो आप क्यों ना अवेयर हो जाएं, आप खुद 10 जन को बताइए, आप भी अवेयरनेस के एक चिराग हैं, सारे लोगों को आप बता सकते हैं, मैं तो कुछ लोगों तक ही पहुंच पा रहा हूं, तो आप मेरी आवाज दूसरों तक पहुंचाइए, आपके बिजनेस में सुविधा होगी। कभी भी कोई भी जरूरत है किसी भी जानकारी की आप जरूर फोन करिए, कमेंट दीजिए, मैं जरूर जवाब देने वाला हूं, और कुछ भी नया वीडियो या किसी प्रकार की आवश्यकता है तो जरूर बताइएगा, मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, लाइक सब्सक्राइब जो आप करते हैं हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करती है, ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।